कहाँ जा रही हो? मैं अपने मायके जा रही हूँ सासुमा। अब मैं इस घर में नहीं रहना चाहती। ठीक है, अगर तुमने फैसला ले लिया है तो मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, लेकिन जब तक सागर नहीं आ जाता और मेरे साथ बात नहीं हो जाती, तुम कहीं नहीं जाओगी। देखो मही, शादी का रिश्ता जितना मजबूत होता है उतना ही कमजोर भी होता है, इसलिए सारी बातें हो जाने के बाद अगर तुम जाना चाहती हो तो ठीक है, तुम जा सकती हो। मही, मैंने अपने संस्कारों से सागर को पाला है, बड़ा किया है। मुझे नहीं लगता कि जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ होगा। देखो मही, अब तक तुमने ये नोटिस किया कि सागर तुम्हें ले नहीं गया, लेकिन तुमने ये नोटिस किया है कि कितनी बार सागर तुम्हें ले गया है? पूरी स्टाफ ने एक पार्टी रखी है और हाँ, उन लोगों ने तुम्हें भी बुलाया है। अरे वाह, मैं तो जरूर आऊंगी। बोलो, है कोई जवाब तुम्हारे पास? हेलो, कोमल बहन आप? हाँ भाई, भाभी, थैंक यू सो मच। आपकी वजह से मेरी जिंदगी ही बदल गई। याद है आपने मुझे कहा था कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं हमें उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन हम खुद अपने बारे में क्या सोचते हैं उससे फर्क पड़ना चाहिए। बस आपकी वजह से मेरा अपनी जिंदगी की तरफ देखने का नजरिया ही बदल गया है। आपने तो अपने आप को पहचान लिया, लेकिन मैं तो अपने आप को पहचान ही नहीं पाई। मुझे बेवजह सागर जी को परेशान करना ही नहीं चाहिए था। चलो अच्छा हुआ मही, जो कुछ भी हुआ पर तुम्हें सारी बात समझ में तो आ गई है ना? एक सेकंड, मुझे ऐसा लग रहा है कि सागर आ रहा है, उसे बिल्कुल नहीं पता चलना चाहिए कि सब कुछ ठीक हो गया है। ओके, सास बहू मिलके थोड़ा सताते हैं। मही, तुम कहीं जा रही हो क्या? सागर, मही अब इस घर में रहना नहीं चाहती। क्या मही, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? देखो मही, मैं एकदम सच सच कह रहा हूँ, मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा मही कि तुम गांव की गवार हो, या मुझे कभी भी तुम्हारे साथ कहीं बाहर जाने में शर्म नहीं आई मही, कभी नहीं हुआ ऐसा। पर मही, अगर तुमको ऐसा लगता है कि मैंने ऐसा किया है, तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है, तो मैं सच्चे मन से तुमसे माफ़ी मांगता हूँ मही, लेकिन प्लीज़ देखो तुम घर छोड़ के मत जाना, प्लीज़ मही, मैं प्लीज़ मही तुम घर छोड़ के मत जाना। आप लोग हंस क्यों रहे हैं? सागर भैया, अल्टीमेटली मामला सॉर्ट आउट हो गया है और मही को पता चल गया है कि आप गलत नहीं थे। हाँ सागर जी। चलो अच्छा है, कम से कम तुम्हें इस बात का एहसास तो हुआ। वरना मुझे ऐसा लगा था मही कि तुम सच में मुझे छोड़ के चली जाओ। नहीं सागर जी, मैं आपको 7 जन्मों तक छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी।